सो गाइस ये तो हो गया आई से रिलेटेड मेडिकल फिटनेस के बारे में, अब आता हूँ फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग डेविस एंड माइंड। गाइस आई एम रियली सॉरी कि आई एम अपलोडिंग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 9 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या करूँ यार, आपको पता है कि मैं अभी एडमिशन में ज्वाइन कर लिया हूँ तो थोड़ा सा टाइम का इशू है, बट मैं अभी सारा कुछ सेटअप कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको रेगुलर वीडियो के लिए मिलेगा। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं 9 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि आखिर अगर आप एक एमी कोर्स करने जा रहे हो या एविएशन में आप एंट्री करने जा रहे हो, चाहे वो पायलट हो चाहे वो टेक्निकल हो, तो इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लेकिन इस टॉपिक पे मैं शायद ही वीडियो बनाया हूं, तो मैं फर्स्ट टाइम है जब मैं इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना रहा हूं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे कि भाई आप प्लीज बताओ कि क्या ये मेडिकल रिक्वायरमेंट अगर है तो चल सकता है, या मेरा एक उंगली कटा हुआ चल सकता है, मतलब क्या कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है अगर आप एक एविएशन फील्ड में एंट्री करने जा रहे हो, तो चाहे वो एमी हो चाहे वो पायलट हो चाहे वो केबिन क्रू हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो पायलट और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन एंड फुल नॉलेज आपको देने वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हो और चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड, एनी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड आप रेगुलर वीडियो देखो, तो प्लीज रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बगल में लाइक उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है और आप लोग देख सकते हो। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइज सबसे पहले अगर बात करें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि अगर आप एमी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए क्या कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला जो मेडिकल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है वो ये कि आपका जो विजन है वो 6x6 होना चाहिए, यानी कि आप गॉगल्स चल सकते हैं, देख सकते हो मैंने गॉगल्स पहना हुआ है, गॉगल्स चल सकता है, लेकिन विद गॉगल्स आपका जो आई साइट है वो 6x6 होना चाहिए। सो द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ विल गेट टू नो दैट योर विजन इज 6x6। सो इट इज वेरी सिंपल, तो जहां पे आई चेकअप होता है वहां पे आपको क्लिनिक में जाना है या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना है, आपको बोलना है कि मुझे आई चेकअप करना है, तो वो लोग आपका सारा प्रोसीजर करेंगे। आपको अगर 6x6 है तो आपको 6x6 वहां पे लिख देंगे, वो 6x6 अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आपको वहां पे लिख देंगे, अगर 6x6 नहीं है तो भी आपको मेंशन करेंगे विद पावर, अगर आपका कोई भी पावर है, पावर से यहाँ पे इशू नहीं है, लेकिन 6x6 जो आपका आई साइट है वो होना चाहिए, इट इज मस्ट एंड मैंडेटरी। सो गाइस फिर आते हैं आई से रिलेटेड एक और मेडिकल रिक्वायरमेंट का, जो कि है कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ गाइस, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट करता है वो, कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रहेंगे उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, तो आपको पढ़ना है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो इट मीन्स आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो वहां पे आपका रिपोर्ट बना के देगा। तो आप में से जिनका भी कलर ब्लाइंडनेस है वो इस जॉब के लिए या वो इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जहाज में बहुत सारे वायरिंग होते हैं, बहुत सारे कलर कोडिंग होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो इसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट है। सो गाइस ये तो हो गया आई से रिलेटेड मेडिकल फिटनेस के बारे में, अब आता हूँ फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में। अगर आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि आपका 5 उंगली है उसमें से बहुत सारे लोग का एक उंगली टेढ़ा है, एक उंगली नहीं है, एक उंगली कटा हुआ है, चाहे मतलब इस तरह का अगर डिसेबिलिटीज के बारे में बात करें तो आपका कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए, वो आपका एक नॉर्मल बॉडी होना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए हो कि भाई हाइट चल सकता है क्या, मेरा हाइट छोटा है, मैं मोटा हूँ, सो दिस इज नॉट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हाइट, वेट ये सब फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटीज मतलब आपका एक उंगली नहीं है, उंगली कटा हुआ है, एक पैर नहीं है, मतलब इस तरह का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि सर मेरा हाइट बहुत लंबा है, मेरा हाइट बहुत छोटा है, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ एमी, क्या मैं जॉब ले सकता हूँ, क्या मैं एविएशन में आने के लिए एप्लीकेबल हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में, जिसमें कि हाइट वेट ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप आ सकते हो एमी में, आप आ सकते हो अगर आपका हाइट वेट इधर उधर है तो, लेकिन पायलट में एक प्रॉपर उनका एक क्राइटेरिया होता है हाइट वेट का, उतना मुझे डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हाँ अगर आप पायलट के लिए अप्लाई करो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि पायलट का एक बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स उतना के बीच में ही होना चाहिए, पायलट का वेट इतना से इतना के बीच में ही होना चाहिए, तो ये पायलट का रिक्वायरमेंट है। पायलट का हाइट वेट ये सारा कुछ दिखाता है, बिकॉज पायलट का जो जॉब है वो काफी क्रिटिकल है और काफी स्ट्रेसफुल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैनल्स होते हैं, तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो चाहे इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप पायलट का जो रोल है वो अच्छे से
नहीं फुलफिल कर सकते हो। तो गाइस यही था पायलट और एमी का मेडिकल रिक्वायरमेंट, स्पेशली मैं एमी का जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज का वीडियो है समझ में आया हो, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट जो एमी एस्पिरेंट हो, जो एमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका क्लियर हो गया हो, मैं यही आशा करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, आप फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो, और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया नहीं आया, मतलब आपको जो भी कमेंट है, कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी, आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये हमारा आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर आज का अच्छा लगा तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मैं वीडियो रिलीज कर चुका हूँ और आप देख सकते हो। सो कम ऑन, मिलते हैं किसी एक्साइटिंग मोर मटेरियल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनी ब्रदर, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद। हां गाइस, अभी नवरात्रि चल रहा है तो आप सभी को हैप्पी 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 नवरात्रि, सी यू सून, एंजॉय अ लॉट।